आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। नुपुर शर्मा के ज़रिए पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़ेबा कलमात कहे जाने के बाद से जो फ़ज़ा ख़राब हुई है, और हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इसके ख़िलाफ़ सख्त एहतजाज हो रहा है। ख़ास तौर से जो खलीजी ममालिक हैं उन्होंने इस पर सख्त रिएक्शन दिया है ख़त, और इस पर सख्त एक्शन लेते हुए नुपुर शर्मा की गिरफ़्तारी के साथ साथ हुकूमत हिंद से भी मुतालबा किया है कि वो इस मामले में माफ़ी मांगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके बावजूद भी जो नफरती लोग हैं, जो नफरती टोला है, नफरती चिंटू हैं, उनकी नफरतों में कोई कमी वाकई नहीं हो रही है। आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है नाज़रीन, ये कानपुर से वायरल हो रही है। बता दें कि कानपुर हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक हिंदूवादी नेता जिसका नाम तुषार शुक्ला बताया जा रहा है, ये एक मुस्लिम बुज़ुर्ग के साथ बदसलूकी कर रहा है, जिन्होंने आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि उन्होंने सड़क पर अपनी दुकान लगाई हुई है, कपड़ों की दुकान लगाए बैठे हुए हैं। वो उन बुज़ुर्ग से बदसलूकी कर रहा है और उन्हें वहाँ से दुकान हटाने की बात करता हुआ नज़र आ रहा है। बता दें कि ये जो बदसलूकी कर रहा है इसका नाम हमने आपको बताया कि तुषार शुक्ला बताया जा रहा है, और ये शख्स हिंदू समन्वय समिति के युवा मोर्चा का अध्यक्ष बताया जा रहा है। बता दें कि तुषार बाज़ार में कपड़ा बेच रहे हैं, इन मुस्लिम बुज़ुर्ग को ना सिर्फ डांट रहा है बल्कि वहाँ से दुकान हटाने की बात कर रहा है, हिंदुओं को भी ललकार रहा है और कह रहा है कि तुम हम पर पत्थर चलाओ और हम तुम्हारी जूठन खाएँ। तो अब एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से मुस्लिम ममालिक ने या खलीजी ममालिक ने हिंदुस्तान की मसनूआत का बायकॉट किया था, क्योंकि वो काफ़ी नाराज़ नज़र आए थे पैगंबर इस्लाम की शान में जो आहानत आमेज़ जुमले नुपुर शर्मा की तरफ से कहे गए थे, जिंदल की तरफ से कहे गए थे, उस पर वो सख्त नाराज़ थे और अपना एहतजाज दर्ज कराना चाह रहे थे। उसी तर्ज पर अभी जो अंध भक्त हैं, ये जो हिंदू कट्टर हिंदू तंजीमों से जुड़े हुए लोग हैं, ये अब उसकी भड़ास यहाँ पर इस तरह से निकाल रहे हैं, जो आपके सामने वीडियो चल रही है कि किस तरह तुषार जो है वो एक बुज़ुर्ग शख्स, इंतहाई ज़ईफ़ शख्स हैं, जो सड़क पर कुछ दुकान लगाकर उससे जो उनकी कमाई होती है उससे अपने बाल बच्चों का गुजारा करते हैं, फैमिली का गुजारा करते हैं, लेकिन उनके साथ जिस बदसलूकी बदतमीज़ी से पेश आ रहा है वो इंतहाई निंदनीय और शर्मनाक है। कानपुर चूँकि यूपी में वाक़ है और यूपी के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे तो इस बात की तवक्को रखना फिजूल है कि उस पर वो कोई कार्रवाई करेंगे। बहरहाल ये खबर हम आप तक पहुँचा लेंगे किस तरह से नफरत का माहौल बढ़ता चला जा रहा है। हमारे ऊपर गुम्मे चलवाए, हमारे ऊपर पत्थर चलवाए और हमारी और तुम लोग भी हिंदू होकर देखते नहीं हो इन लोग को, हम लोग क्या दुकान लाने के लिए कह रहे थे बाजार लगाएंगे, लगाएंगे आज लोग परेशान।